फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अक्खा मसूर या साबुत मसूर। मसूर में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। मसूर दाल के कई सारे फायदे हैं। अक्खा मसूर या साबुत मसूर के लिए आवश्यक सामग्री 250 ग्राम मसूर 20 मिनट तक गुनगुने पानी में उसके भिगो के रखा है, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, यहाँ पे सूखा नारियल, 1 इंच अदरक, 8-10 लहसुन की कलियां ग्राइंड करके रखी है, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, जीरा पाउडर, हींग और तेल। तो हम पहले कुकर में, मैंने यहाँ पे पानी लिया है, मसूर को पकाएंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे उसे पकाने के लिए। थोड़ा अब उसे ढक देते हैं। कुकर की हमें 2 या 3 सीटी लेनी है। हमारा मसूर कुकर में पक रहा है, तब तक हम मसूर की तैयारी कर लेते हैं। सब्जी की ग्रेवी की तेल डालेंगे। तेल गरम हुआ है, उसमें प्याज डालते हैं। इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमारे प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब उसमें ग्राइंड किया हुआ सूखा नारियल, अदरक डालेंगे और लहसुन, इसे मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम उसमें टमाटर डालेंगे, इसे सॉफ्ट होने तक भून लेंगे अच्छे से। टमाटर को मैंने धीमी आंच पे सॉफ्ट होने तक भून लिया। आप टमाटर की जगह टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं और प्याज की प्यूरी भी डाल सकते हैं। अब उसमें हींग डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, उसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। उसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार, तीखा चाहिए तो और डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। मैंने लाल मिर्च पाउडर को भून लिया धीमी आंच पे 2 मिनट तक। अब उसमें गरम मसाला डालेंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं। हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब हम उसमें मसूर डालते हैं। अक्खा मसूर को मैंने 3 सीटी होने तक पका लिया है। थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। पानी अपने हिसाब से ले सकते हैं। ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो पानी कम लीजिए और पतली चाहिए तो और डाल सकते हैं। मसूर पकाते वक्त नमक डाला था, अब थोड़ा ही नमक डालेंगे उसमें। उसे मिक्स कर लेते हैं। 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढककर पकने देते हैं उसे। अक्खा मसूर या साबुत मसूर की सब्जी तैयार। अब उसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालते,
उसे प्लेट में परोसेंगे। गई हमारी अक्खा मसूर या साबुत मसूर की सब्जी तैयार। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज रेसिपीज मेड इजी बाय साधना को जरूर भेज दीजिएगा, वहां आपको सब रेसिपीज की लिखित विधि मिलेगी। धन्यवाद।